IFM विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और साथ ही विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से मदद भी दे रहा है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के आइडिया और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर से धनराशि के रूप में भी मदद दी जा रही है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो रहे हैं सफल, इस कार्य को लेकर विश्वविद्यालय की सराहना भी की जा रही है। कुलपति प्रोफेसर MP पांडे ने यह जानकारी दी है कि हमारे विश्वविद्यालय के 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय ने 5 से 6 लाख रुपए की धनराशि देकर विद्यार्थियों को मदद की है और वह सफल हो रहे हैं। प्रोफेसर MP पांडे ने यह कहा है कि विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष 1500 से अधिक विद्यार्थियों के प्रवेश हुए हैं। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी NCR और प्रदेश के कई जिलों के हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में और बेहतर कर रहा है और विद्यार्थियों को सुविधा भी दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय मुरादाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। सर, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई देने के साथ साथ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किए? हमारे विश्वविद्यालय द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारे विश्वविद्यालय में है, उससे जो करीब करीब इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं उसमें जिनके पास जो आइडियाज वगैरह होते हैं वो लेकर के हम लोगों से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के साथ साथ हम उनके आइडियाज को किसी प्रोजेक्ट के रूप में किस तरीके से हम स्थापित कर सकते हैं, उसको हम एक जो है प्रोजेक्ट का रूप दे सकते हैं ऐसा करके। और जो है अभी हमने हमारे इंजीनियरिंग के करीब करीब कुछ नहीं तो 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक गोल्फ कार्ट, उनका आइडिया था कि एक गोल्फ कार्ट हम बनाएंगे, तो वो 6 सीटर गोल्फ कार्ट हमारा तैयार हुआ है जिसमें 12 बच्चे लगे हुए हैं और 8 सीटर गोल्फ कार्ट अभी तैयार होने के उस पर है। और इसमें करीब करीब 4 फैकल्टी ऐसी हैं जिन्होंने इनको मेंटर के रूप में समय समय पर सहायता किया है और करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए विश्वविद्यालय द्वारा इनको सीड मनी के रूप में दिया गया है। क्या उद्देश्य है सर? ये उद्देश्य यह है कि कम से कम बच्चा हमारा आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार जो है उसको मिले, रोजगार के श्रेणी में वो अपने को स्थापित कर सके, बेरोजगार ना रहे बच्चा हमारा। ये मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय का है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा हमारा किसी न किसी रोजगार में वो स्थापित हो जाए, लग जाए। आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे? इस तरीके का प्रयास नियमित रूप से हमारा चलता रहेगा। इसी कड़ी में हम आपको बताएं कि हमारे वहाँ जो इंक्यूबेशन फाउंडेशन है उसमें 11 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें फैकल्टी हमारे मेंटर की भूमिका में हैं और बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो है वो इसमें इनके साथ अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं, उनमें से हम जो है उनको प्रोजेक्ट के रूप में आगे जो है बढ़ाते रहते हैं। तकनीकी का क्षेत्र चल रहा है और रिसर्च में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रिसर्च में देखिए, हमारे पिछले 2-3 वर्षों से जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे जो है फैकल्टी जो सीनियर फैकल्टी हैं, जूनियर फैकल्टी हैं, वो नियमित रूप से रिसर्च के क्षेत्र में, चाहे वो पब्लिकेशंस हों और या पेटेंट का पार्ट हो या जो है आपका बुक्स का जो है लिखना हो, बुक्स के चैप्टर को लिखना हो, इन सब क्षेत्रों में हमारे फैकल्टी मेंबर लगातार कार्य कर रहे हैं और इसको करने के लिए उनको विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जो भी उनका खर्चा होता है पैसा, सीड मनी के रूप में हम उनको मुहैया कराते हैं, उनको देते हैं।